हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई योर पंडे सर, पीजी टीन बायोलॉजी, जीपीएस स्कूल, गुढ़ा गौड़ जी। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कॉप्स इन बायोलॉजी। आर यू रेडी? लुक एट दिस साइट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंथ क्लास पास करने के बाद हम ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। अपन मैथ लें कि बायो लें, आर्ट लें, या अपना क्या है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पहले से प्री प्लानिंग होती है, उनका फिक्स टारगेट होता है कि हमें सब मैथ लेनी है, हमें बायोलॉजी लेनी है, या हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कुछ बच्चे होते हैं जो डिस्कस नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कुछ बच्चे बायोलॉजी क्यों लेनी चाहिए, इसके स्कोप्स क्या हैं। मेनली क्या होता है कि हम जानते नहीं कि उसमें क्या स्कोप है, क्या है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि बायोलॉजी में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि बायो मेनली हम किस लिए लेते हैं, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए लेते हैं। और मेडिकल फील्ड स्टूडेंट्स ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी कमी नहीं आने वाली। आप देखते हो डेली कोई ना कोई नई डिजीज आ रही है। आज देख लो कोरोना कितना तबाही मचा रहा है। अगर हमारे मेडिकल फील्ड में हम बहुत अच्छे होंगे, बहुत वो अगर एकदम क्लियर और साफ होंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में हम किस किस तरह से बायो लेकर क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की सबसे मेन जो डिग्री होती है या मेन जो टारगेट होता है वो होता है हमारा क्या, एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 5.5 इयर्स का कोर्स होता है। और बात करते हैं हम इसके सब्जेक्ट, तो इसके अंदर मेनली ह्यूमन एनाटॉमी है, फार्मास्यूटिकल्स है, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड इफेक्ट मेथड ऑफ सर्जरी है, एंड मेडिसिन केमिस्ट्री। ओके, अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होता है। नॉर्मल सी बात है कि ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना होता है, नीट क्रैक करना होता है, ठीक है ना। और नीट क्रैक करके इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होगा कि नीट में यदि आपकी अच्छी परसेंटेज है तो बहुत अच्छे कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं, ठीक ना। और नीट की ही द्वारा, देखो पहले पीएमटी अलग होता था, एम्स वाले थे वो अलग अपना एग्जाम लेते थे, लेकिन अब हम नीट के थ्रू ही एम्स में एडमिशन ले सकते हैं और नीट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस। पता है इसमें स्पेशलिटी होती है सब, इसके अंदर डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर हैं वो क्या है, स्पेशल जो भी है, जिस भी अपने एरिया या जो भी क्राइटेरिया अपन चूज करते हैं उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। चलो सेकंड बात करते हैं, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ओके, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है या अपन कह सकते हैं दांत के डॉक्टर, ठीक है ना, सुना होगा सर। इसकी ड्यूरेशन यानी ये भी हमारा 5 साल का कोर्स है, ठीक। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, डेंटल मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, और जनरल एंड डेंटल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको जो रेगुलेट किया जाता है वो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और इसमें एडमिशन के लिए भी हम क्या करते हैं, नीट एंड अदर स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, जिनके थ्रू हम इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बीएचएमएस, अगर इसी फुल फॉर्म तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी हम होम्योपैथी में भी क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या है, बीएचएमएस कोर्स करना होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 इयर्स है, 5.5 साल है। अच्छा, इसके बात करते हैं हम क्या, इसके लिए भी सेंट्रल लेवल एवं स्टेट लेवल पर एग्जाम कंडक्ट होते हैं, और एग्जाम के थ्रू हम इसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या, इसकी अपन जॉब प्रेफर की बात करें तो देखो कि आजकल होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक एक ऐसा सिस्टम चला है कि हमारे इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत मांग है। तो मेनली लोग जो अपने इंडियंस हैं वो क्या करते हैं सब, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक में कोर्स करते हैं, और उसके बाद वो फॉरेन में भी अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अपनी, फोर्थ है बीएएमएस, ठीक है ना, या जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ
आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी अपना चौथा कोर्स है क्या, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी हम बात करें ड्यूरेशन की, तो 5.6 ईयर होता है सब, ठीक है ना। ये रूट ऑफ वैदिक टाइम, यानी वैदिक टाइम के इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं सब, पढ़ाई करते हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड स्टडी होती है, ठीक है ना, कंप्लीटली। दूसरी बात, इस डिग्री के द्वारा हम जो जॉब प्राप्त करते हैं, तो देखो इसके द्वारा हम लेक्चरर से प्राप्त कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें हमारा क्या है, स्कोप है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखो अगला होता है बी फार्मा, क्या बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ओके। बैचलर ऑफ फार्मेसी का जो कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन होती है कितनी, 4 ईयर, कितनी होती है, 4 साल। इसका जो इसको जो रेगुलेट करता है वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दूसरी बात कि इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करते हैं इसके अंदर जॉब की क्या सिचुएशन रहती है। तो देखो याद रखना, जैसे अपने ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, उसके लिए अपन क्या है, बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे लेक्चररशिप है, अपने फार्मेसी कॉलेज होते हैं, डी फार्मा कॉलेज है, बी फार्मा कॉलेज है, उनमें जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ड्रग कंपनी लाइसेंस भी इसके द्वारा अपने को क्या होता है सब, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करा के हम क्या कर सकते हैं, कंपनी भी चला सकते हैं। उसके अलावा MR वगैरह हैं, उसमें हम जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BPT, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तुम्हें पता है फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप चल रहा है इसका, इसकी ड्यूरेशन होती है साहब 4.5 ईयर, 4.5 साल का कोर्स होता है। और इसमें हमने एडमिशन के लिए सेट, या जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, सेंट्रल लेवल का होता है और स्टेट लेवल का भी होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर कि BPT करके हम क्या कर सकते हैं। तो देखो अनेक हॉस्पिटल्स हैं फिजियोथेरेपी के, उनमें जा सकते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रॉपरली हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना, अपना स्टडी कराते हैं। अपन फिटनेस सेंटर में जा सकते हैं, उसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, इनके अंदर भी हम क्या करते हैं, एज ए डॉक्टर अपन क्या है, काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं BOT, ठीक है, नेक्स्ट स्कोप है। तो बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी ये क्या है, आप देखा होगा ऑक्यूप्रेशर पद्धति चल रही है आजकल, अपन जगह जगह से कई पॉइंट्स वगैरह उनको प्रेस करके अपन अनेक बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी ड्यूरेशन 4.5 ईयर होती है भाई, 4.5 साल का कोर्स होता है। अब इसके अंदर जॉब क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं हम, तो देखो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एडवाइजर के रूप में अपन जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में अपन जॉब प्राप्त कर सकते हैं, टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, नर्स है, टीचर है, लेक्चरर है एंड स्पीच थेरेपिस्ट आदि जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें बहुत अच्छी सैलरी प्राप्त होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये यूनानी पद्धति पर आधारित दवाइयां एवं सर्जरी से संबंधित कोर्स है और ये 5.5 साल का होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं CCIM या सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा। और याद रखना कि ये यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के जो कॉलेजेस हैं ना, वो हमारे इंडिया में लगभग 30-35 से 40 कॉलेज हैं, ठीक है। ये एग्जाम कराया जाता है इसके द्वारा कंडक्ट, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके द्वारा जॉब क्या क्या प्राप्त होते हैं, देखो हकीम या वैद्य जानते हो गए, कंसल्टेंट के रूप में जो विभिन्न बीमारियों के बारे में कंसल्टेंट करके या कंसल्ट करके उसके बारे में बताते हैं, लेक्चरर है, साइंटिस्ट है, थेरेपिस्ट है और फार्मासिस्ट, ये जॉब हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है BMLT या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आजकल देख रहे हो तुम कि कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले टेस्ट लिखा जाता है और लैब के अंदर अपन देखते हैं साहब बहुत अच्छी क्या है, इनकम भी है। अब इसमें देखो इसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल और इसके लिए जॉब की बात करें तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। ये जॉब होते हैं जो गवर्नमेंट
टाइप यानी गवर्नमेंट कॉलेज सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्राप्त कर सकते हैं, अपना अलग खुद का लैब सेंटर भी खोला जा सकता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत अच्छी इनकम है। नेक्स्ट देखो डी फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 साल का कोर्स होता है ये, केवल 2 साल का, 12th के बाद डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है और इसके लिए एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है ना। अगर इसको रेगुलेट करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये इसको रेगुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें जॉब की तो इसके अंदर यानी डी फार्मा के बाद अपन टेक्निकल सुपरवाइजर का जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इसमें ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का जॉब प्राप्त कर सकते हैं, फार्मासिस्ट है, साइंटिस्ट ऑफिसर है एंड ट्यूटर का जॉब प्राप्त। देखा होगा आपने आजकल हर हॉस्पिटल के अंदर क्या है, खुद के मेडिकल शॉप हैं, उन जो मेडिकल शॉप्स में जो बंदे बैठे होते हैं वो बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब में अपने मेडिकल की, इसमें याद रखना मेडिकल का लाइसेंस भी मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 2 साल होती है, ये भी इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है मेनली और इसके लिए कुछ एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अंदर तुम्हें पता ही है कि लेबोरेटरी से संबंधित जॉब किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी नर्सिंग होम में जॉब प्राप्त कर सकते हो, उसके अलावा अपनी खुद की लैब है उसके अंदर या लैब के अंदर अपन किसी भी प्रकार का यानी जॉब प्राप्त कर सकते हैं लैब से रिलेटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बीएससी नर्सिंग, अगला क्या है साहब स्कोप अपना, बीएससी नर्सिंग है। अब देखो बीएससी नर्सिंग बैचलर साइंस ऑफ नर्सिंग, ड्यूरेशन 4 साल होती है और इसकी जॉब की बात करें तो नर्सिंग करने के बाद हम हॉस्पिटल में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक एंड डिपार्टमेंटल हैं, रेलवे के अंदर भी इसकी वैकेंसियां निकलती हैं और उसके अलावा डिफेंस के अंदर भी बीएससी नर्सिंग वालों के लिए क्या अलग से वैकेंसी निकलती हैं, अपन उसमें जा सकते हैं, डिफेंस में भी अपन आसानी से जा सकते हैं। दूसरा है अपना बीएससी कोर्स, अपन देखते हैं ड्यूरेशन 3 साल का होता है। अब इसमें देखो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि बायोलॉजी में, तो बायो से अगर अपन बीएससी की बात करें तो उसमें जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री होती है और कुछ अपनी जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जैसे बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन जूलॉजी या बीएससी इन फिजिक्स अलग अलग से कराए जाते हैं। अब इतना स्कोप है मेडिकल फील्ड के अंदर तो हम क्यों इधर उधर डिस्टर्ब होते हैं, आराम से अपन फोकस कर सकते हैं कि बायोलॉजी लेकर हम मेडिकल फील्ड में अच्छी कमाई और अच्छा नाम कर सकते हैं। धन्यवाद।